नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वायु प्रदूषण को रोकने व नियंत्रित करने के उद्देश्य से रचित दी एयर एक्ट 1981 पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक हरियाणा रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम के चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल व नगर एवं योजना विभाग के प्रधान सचिव अपूर्व कुमार सिंह हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में औद्योगिक वाहनों की बहुलता के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है और मानव का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि समाज में विकास तो होना चाहिए, परंतु ऐसी तकनीकें अपनाई जानी चाहिए जिनसे प्रदूषण ना फैले। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। समय की आवश्यकता है, आज युग की आवश्यकता है कि पर्यावरण की चिंता भी सबको होनी चाहिए, है भी सही। कुछ समय था जब मूलभूत आवश्यकताओं में माना जाता था कि रोटी, कपड़ा और मकान, फिर आया कि बिजली, सड़क, पानी, फिर आया शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, स्वावलंबन, ये एक सामाजिक आवश्यकताएं थी। लेकिन समय के हिसाब से, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से आवश्यकताएं भी बदलती हैं। आज बड़ी आवश्यकता है वो है पर्यावरण की, क्योंकि प्रदूषण इतना अधिक होता जा रहा है कि एक प्रकार से कभी तो ये लगता है कि मानवता को एक सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कहीं प्रदूषण इतना अधिक हो गया है कि लोग अब अपने स्थानों को छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन मन उनका करता है यहां से भाग जाए। खास करके पिछले दिनों में निकट के शहरों में दिल्ली के जो हालात बने, उसमें से बहुत तरह की कमेंट्स, चर्चाएं ये आती थी। दुनिया के भी कई देश इस प्रकार की समस्याओं को झेल चुके हैं। धीरे धीरे ऐसे प्रदूषण के, हमारे चाहे वो इंडस्ट्री के नाते से, चाहे वो यातायात के साधनों के नाते से, चाहे अन्यत्र बढ़ती आबादी, विकास, विकास के नाते से भी प्रदूषण होता है। अभी एक इस प्रकार की एक दुविधा बनी हुई है कि आबादी बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, विकास भी हो रहा है, इस नाते से प्रदूषण भी बढ़ रहा है। प्रदूषण और विकास दोनों विरोधाभासी चीजें हैं, अर्थात इस प्रदूषण को कम करना, विकास कम करेंगे तो आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती, लेकिन उसमें होने वाले प्रदूषण को समाप्त करना, उसको हम कैसे कर सकते हैं, ये बहुत कुछ अपने हाथ में भी है। नई टेक्नोलॉजी के आधार पर भी हम कर सकते हैं, परंपरागत बातों के आधार पर भी कर सकते हैं। तो इस प्रदूषण को कम करने के लिए जितने प्रावधान किए गए हैं उसमें कुछ तो कानूनी है। आज की पुस्तक निश्चित रूप से जो बताया गया है कि वो कानून की एक प्रकार की व्याख्या, जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981, इसके ऊपर अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एक्ट, ये इस प्रकार की पुस्तक है। कानून अपने आप में एक ऐसा विषय होता है कि लोगों को मजबूरन उसका पालन कई बार करना पड़ता है। अगर ठीक से समझेंगे तो वेलफेयर ऑफ द स्टेट, वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन काइंड, ये हम करते हैं, लेकिन मन से कई बार नहीं करते हैं। आवश्यकता है आज मन से इन चीजों को स्वीकार करके और लोगों में जन जागरण पैदा करने की, जन जागरण पैदा करें कि कैसे पोल्यूशन को कम किया जाए। तो उसमें हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। उसमें पौधारोपण एक ऐसा विषय है कि जितना ग्रीनरी ज्यादा होगी, जितना पौधारोपण होगा, जितना हमारे जंगलात बढ़ेंगे, उसके कारण से हमारा जो वायु का एक शोधन ये होता है। इसकी बहुत सी योजनाएं सरकार तो अपने ढंग से चलाती है, लेकिन जन जन को भी इसके लिए जागरण करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति, परिवार का हर सदस्य किसी न किसी बात को बहाना बनाकर और इस ओर आगे बढ़े। हमने तो सरकार में ये भी किया कि स्कूल के विद्यार्थी क्यों नहीं अपने जीवन में एक पेड़ हर विद्यार्थी पढ़ते समय लगाए। इसके प्रयत्न भी हुए पिछले 2 वर्षों में, 20-20 लाख, 22-22 लाख पौधे लगाना शुरू किए। कुल मिलाकर के इंटेंशन हमारी वो ये रहनी चाहिए कि पर्यावरण किस प्रकार से इसको सुरक्षित रखा जाए, कैसे हम प्रदूषण को खत्म करें, और उसी आधार पर आज का जो विषय ये रखा गया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ के खंडेलवाल जी को, ए के सिंह जी को, हमारे जो जो पब्लिशर हैं उनको,
ताकि इस प्रकार के जन जागरण के लिए जो पुस्तक दी गई है आज हम सब इसको लेकर के जाए अपने साथ, और निश्चित रूप से हर व्यक्ति इस विषय का आगे प्रचार प्रसार करे, तभी हम आगे बार हमारी जो हमारा जीवन तो बहुत से ऐसे लोग हैं मोर देन हाफ बीत चुका है, आने वाली पीढ़ियों की चिंता जरूर करें। अगर आने वाली पीढ़ियों को हम इस प्रकार का एक स्वच्छ वातावरण देकर के नहीं गए तो हमें आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए भाई बहनों मित्रों, पर्यावरण की सुरक्षा, प्रदूषण को खत्म करना, इसको ध्यान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।